और अब रुख हिमाचल प्रदेश का करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और 7 अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र में इस बार 21 बैठकें होंगी। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और जनता के हित के मुद्दे उठे, इसको लेकर कल विधानसभा के अध्यक्ष ब्रज बिहारी लाल बुटेल ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और सभी दलों से शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने की अपील की। हिमाचल में चुनावी साल है, लिहाजा मौजूदा सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र होगा और चुनावी साल होने की वजह से इस बजट सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो सदन में सरकार को कई मुद्दों पर घेरेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है जो कि 7 अप्रैल तक चलेगा। कुल मिलाकर 21 बैठकें हैं जो होंगी और इस बजट सत्र में सरकार ने जरूर कई मुद्दे शामिल किए हैं, तो विपक्ष ने भी एक लिस्ट बना ली है जिस पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। ये जो सत्र है वो बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले ये आखिरी बजट सत्र है जिसमें सरकार की कोशिश रहेगी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, उनसे जुड़ी हुई योजनाएं हो, और वहीं पर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रही है। कल विधानसभा के अध्यक्ष ब्रज बिहारी लाल बुटेल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों से शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने की अपील की। हिमाचल में चुनावी साल है, लिहाजा मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र होगा। चुनावी साल होने की वजह से इस बजट सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि वो सदन में सरकार को कई मुद्दों पर घेरेंगे।